हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है प्रतिमा बेस्ट कुकिंग इंस्टाग्राम के। दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेज चाउमीन की रेसिपी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले पानी को उबलने के लिए पहले ही रख दिया था। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, साथ में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो अब यहाँ पे उबलते हुए पानी में हम चाउमीन को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चाउमीन के पैकेट इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे एक बार अच्छे से हम चला लेंगे। तो इसे अब हमें हाई फ्लेम पे चाउमीन को 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों के चाउमीन को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे चाउमीन को। तो चाउमीन को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस 85% तक पका लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि 85% तक पक चुका है, अच्छे से टूट रहा है चाउमीन। तो अब इसे हम गैस को बंद कर लेंगे। तो मैंने जालीदार बर्तन लिया है, तो सारे चाउमीन को हम इसमें डाल देंगे। तो ऊपर से ठंडे पानी से धो लेना है चाउमीन के। इस तरीके से धोने से चाउमीन हमारा बिल्कुल खिला खिला रहे। तो चाउमीन को मैंने ठंडे पानी से धो लिया है, इसको एक बार इस तरीके से अच्छे से छान लेंगे पानी के अंदर से, और इसको अच्छे से पानी इसका निकलने देंगे। तो यहाँ पे चाउमीन के 4 से 5 मिनट हो चुका है, तो इसे अब हम साइड में करेंगे। यहाँ पे एक थाली लेंगे और इसमें हम चाउमीन को पलट लेंगे, पलट कर और अच्छे से इसको फैला लेंगे। तो चाउमीन के ऊपर से हम 1 चम्मच के करीब तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है चाउमीन के अंदर। इससे क्या होगा कि चाउमीन एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे हवा में। तो यहाँ पर मैंने चाउमीन बनाने के पहले से ही तैयारी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज को लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, साथ में 2 शिमला मिर्च को भी कट कर लिया है लंबे लंबे स्लाइसेस में, और पत्ता गोभी को भी मैंने लंबे लंबे कट कर लिया है। साथ में मैंने लहसुन और अदरक और साथ में हरी मिर्च को भी बारीकी से कट कर लिया है। तो चलिए अब चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। तो चाउमीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है, और साथ में यहाँ पर हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है और अच्छे से गर्म होने दें इसे। तो यहाँ पर जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो यहाँ पर लहसुन अदरक और हरी मिर्च को हम डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर लहसुन अदरक को कुछ सेकंड भूनने के बाद यहाँ पर साथ में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। वहां पर लंबे लंबे बारीक प्याज को मैंने कट कर लिया है, तो इसे भी हमें हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। तो अब यहाँ पर डालेंगे शिमला मिर्च, साथ में पत्ता गोभी को भी हम डाल देंगे। सभी चीजों को हम हाई फ्लेम पर भी भूनेंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है। सब्जी इसको बिल्कुल क्रंची ही रखना है, तभी इसका चाउमीन में टेस्ट अच्छा आएगा। इस सब्जियों को भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे विनेगर 1 चम्मच, साथ में डालेंगे हम सोया सॉस 1 से 1.5 चम्मच, साथ में यहाँ पे डालेंगे टमाटो केचप करीबन 2 चम्मच के करीब, और सभी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो फर्स्ट डालते समय आप यह गैस को फ्लेम को लो कर ले, लो फ्लेम पे हम सारे सॉस को डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम अब इसमें हम चाउमीन डालेंगे। अब यहाँ पे हम उबला हुआ चाउमीन डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारा चाउमीन को डाल दिया है अच्छे से।
चौमिन के डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे व्हाइट नमक, साथ में डालेंगे काला नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर सॉस में भी नमक होता है तो आप अंदाजे से नमक डालिएगा। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है सब्जियों के साथ। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि हम मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरीका से आप मिक्स कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा सब्जियों के साथ। तो अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स करते हुए इसे हमें हाई फ्लेम पे ही अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है चौमिन को। आप देख सकते हो दोस्तों कितना बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है ना। कर लेना है बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें 2 से 4 मिनट के अच्छे से भून लेना है। चौमिन का भून चलो 3 से 4 मिनट हो चुका है दोस्तों। तो चौमिन हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए आप हम गैस को बंद कर लेते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल तीखे चटपटे चौमिन हमारा रेडी हो चुका है। दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।